नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग, बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में विज्ञापन के उद्देश्यों पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने विज्ञापन की परिभाषा निम्न विद्वानों के माध्यम से बताई है। विज्ञापन में कौन कौन से ध्यान देने योग्य बातें हैं, हमने उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है विज्ञापन लेखन का उद्देश्य, एक सामान्य उसका परिचय। आज विज्ञान के साथ विज्ञापन का भी युग है। आजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपेक्षित वस्तु, अपनी स्थिति और अपने स्वभाव व गुणों तक का विज्ञापन करता दिखाई देता है। किसी समय में यह स्थिति नहीं थी, लोग एक दूसरे तक अपने मत को या अपने भावों और विचारों को अथवा अपने द्वारा निर्मित माल को बहुत समय में धीरे धीरे विज्ञापित कर पाते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो एक ही क्षण में एक ही पल में किसी कंपनी द्वारा निर्मित पदार्थ या वस्तु सारे विश्व में विज्ञापित हो जाती है। नए संचार माध्यमों के विकास ने तो विज्ञापन को और भी अधिक महत्व प्रदान कर दिया है। आज तो विज्ञापन एक कला के रूप में हमारे सामने है। विज्ञापन एक ऐसी कला है जो उपभोक्ताओं को इतना अधिक प्रभावित करती है कि वे विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं। यह विज्ञापन ही जो बहुत बड़े समाज में किसी भी उत्पादन की साख जमा देता है। विज्ञापन के द्वारा ही विक्रय में वृद्धि होती है और विज्ञापन के द्वारा ही हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। विज्ञापन की सहायता से हम अपने जीवन को गतिशीलता के क्रम में निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि विज्ञापन में चार तत्वों का समावेश आवश्यक होता है। उत्पादित वस्तु, माध्यम, श्रोता, दर्शक या पाठक और लक्ष्य। इन चार चीज़ों से ही विज्ञापन का उद्देश्य भी उभर कर सामने आ जाता है। विज्ञापन उत्पादित वस्तु को सभी तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसे हम विज्ञापन का प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य मान सकते हैं। विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य अपने द्वारा उत्पादित पदार्थ की और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। जो विज्ञापन ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता वह अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कभी भी नहीं कर सकता। इसी तरह विज्ञापन में चौंकाने का भाव तो होता ही है, साथ ही साथ वह दर्शकों, पाठकों और जन समुदायों को गहराई में सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। आज दूरदर्शन पर जितने विज्ञापन आते हैं उनमें से अधिकांश विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर दर्शक एक सांस में उनका मर्म नहीं समझ पाता। मर्म मतलब उनकी गहराई, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसका मर्म नहीं समझ पाते। जब वह थोड़ा सा गंभीर होकर उस विज्ञापन के विषय में सोचता है, समझता है,
तब जाके वह उसकी ओर आकर्षित हो पाता है। ऐसे दर्जनों विज्ञापन नित्य प्रति दूरदर्शन पर प्रसारित होते रहते हैं। इसलिए विज्ञापन का एक उद्देश्य चिंतन शक्ति को बढ़ावा देना भी है, भले ही उसका मूल उद्देश्य उत्पादित वस्तु को विज्ञापित करना और लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करना है, किंतु साथ ही साथ दर्शक के चिंतन शक्ति को बढ़ाना और उसे अपनी ओर आकृष्ट आकृष्ट करना है। इन सभी बातों को उद्देश्य रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है, अपने उत्पाद का परिचय देना, अपनी वस्तु के प्रति दूसरों का ध्यान आकृष्ट करना, अपने उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता जगाना, उत्पाद की विक्रय वृद्धि करना, उपभोक्ताओं के मध्य छवि का निर्माण करना। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन के प्रकार क्या-क्या हैं। तो पहला है निजी विज्ञापन, दूसरा है व्यावसायिक व्यापारिक विज्ञापन, तीसरा है सरकारी विज्ञापन, चौथा है जनहित या लोक सेवा विज्ञापन, पांचवा है वर्गीकृत विज्ञापन, छठा है सजावटी विज्ञापन, सातवां है प्रमाणीकृत विज्ञापन और आठवां है पत्रिका विज्ञापन। अन्य मत से ये सात प्रकार के माने जाते हैं। राष्ट्रवादी विज्ञापन और लघु विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, संस्थागत विज्ञापन वे होते हैं जो बड़े बड़े अखबारों में एक साथ दिए जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों से वस्तु या सेवा का प्रचार पूरे राष्ट्र में एक साथ हो जाता है। लघु विज्ञापन वे होते हैं जिन्हें छोटे विज्ञापन भी हम कह सकते हैं, और ये एक पट्टी के रूप में दिए जाते हैं। आजकल ऐसे लघु विज्ञापनों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। वर्गीकृत विज्ञापन वे होते हैं जो विषयों के अनुसार बांटकर छापे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं, वैवाहिक टेंडर नोटिस, संपर्क करें, बेचना है, खरीदना है आदि। आजकल नित्य प्रति समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन कई कई पृष्ठों में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्तिक विज्ञापन वे कहे जाते हैं जिनके माध्यम से व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। ऐसे विज्ञापनों में शोक संवेदना, विवाह, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आदि की सूचना होती है। संस्थागत विज्ञापन वे कहलाते हैं जो समाचार पत्रों द्वारा अपनी ही संस्था या अखबार के बारे में प्रकाशित किए जाते हैं। और सजावटी विज्ञापन साज सज्जा से संबंधित होते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित विज्ञापन, श्रृंगार, विशेषकर महिलाओं के श्रृंगार, उनकी केश सज्जा, उनके परिधानों आदि के विषय में होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विज्ञापन और भी होते हैं जिनकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ रही है। उदाहरण के लिए
कद कैसे बढ़ाएं, वजन कम कैसे करें, स्वस्थ कैसे रहें, जागरूकता कैसे पैदा करें आदि बातें। शिक्षा संबंधी विज्ञापन भी आजकल समाचार पत्रों, दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित होते रहते हैं। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक शिक्षा आदि से संबंधित कितने ही विज्ञापन आते रहते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अथवा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संस्थान जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनके विज्ञापन भी दूरदर्शन पर आते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा संबंधी विज्ञापन, स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापन और मानव समाज की प्रगति के लिए भी नित्य नए अन्वेषणों के कारण आजकल विज्ञापनों की भरमार हो गई है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था अथवा सौंदर्यपूर्ण पदार्थ विज्ञापन बन गया है और हर तरह के कार्यों का विज्ञापनों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इससे पहले वाले लेसन में हमने विज्ञापन की परिभाषाएं और विज्ञापन में ध्यान देने तथ्यों के बारे में जानकारी ली थी और आज हमने विज्ञापन लेखन के उद्देश्यों, उसका एक सामान्य परिचय और उनके प्रकार जो व्यवसायिक में, सरकारी में, जनहित में, वर्गीकृत में, पत्रिका में, सजावटी प्रमाणीकृत में आदि में हमें देखने को मिले हैं। धन्यवाद।